इस तरह का केबल चाहिए। ये यूएसबी ए बी केबल है, ये आपका मिक्सर के साइड में है, तो आपको इसको मिक्सर के साइड में लगा लेना है। नेक्स्ट जो दूसरा वाला साइड है, इसको आपको लैपटॉप में लगा लेना है। अपना जो एलएनएन हीट है, जो यूएसबी ऑडियो पोर्ट से शो कर रहा है, तो उसमें रखना है, और रिकॉर्डिंग डिवाइस को भी उसी में ही रखना है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीर और आप देख रहे हैं टेक एंड टेक्निक्स। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेकर आए। टॉपिक ये है, आप सबका काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स रहता है कि हम लाइव साउंड का जो ऑडियो है उसको कैसे रिकॉर्ड करें फॉर फ्यूचर रेफरेंस, अगर हमें कभी कभार ज़रूरत पड़ती है तो इसको हम कैसे रिकॉर्ड करके रख पाएँ। तो नॉर्मली हर लाइव साउंड मिक्सर में एक रिकॉर्ड का RCA आउट तो आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन कुछ मिक्सर्स में USB आउट भी होता है जो रिकॉर्डिंग के लिए, मतलब आप एक लैपटॉप के साथ उसको कनेक्ट कर पाएंगे और अपने DAW सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको रिकॉर्ड भी कर पाएंगे। सो आज के इस वीडियो में हम ये कैसे किया जाता है इसको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हम लेने वाले हैं कि इसको हम एक लाइव साउंड मिक्सर को कैसे लैपटॉप के साथ हम कनेक्ट करें और उसके थ्रू हम रिकॉर्ड करें। जैसे कि मेरे पास अभी जो लाइव साउंड मिक्सर है वो है एलएनएन हीट Z16FX। तो ये जो लाइव साउंड मिक्सर है इसमें जो USB का फीचर है ये दोनों वे में काम करता है। जैसे आप अगर चाहे इसका ऑडियो को आप रिकॉर्डिंग के लिए लैपटॉप में ले सकते हैं, और लैपटॉप में अगर आप कुछ प्ले कर रहे हैं देन उस लाइव साउंड मिक्सर में भी उसको रन करवा सकते हैं। तो ये काफ़ी ईजी है, काफ़ी अच्छा है। अगर आप वो होम रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ वगैरह इस तरह से चलाते हैं देन आपके लैपटॉप में से आप कुछ भी ट्रैक प्ले करके फिर रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, मतलब एक साथ ये दोनों वे में भी काम कर सकता है। ज़्यादा देर नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा, इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कीजिए ताकि हमारी मोटिवेशन और भी बढ़ता रहे और हम आगे इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर कर पाएँ, ताकि आपको बहुत ज़्यादा इजी हो इस तरह के चीज़ों को सीखने में, समझने में। और इस वीडियो को बिल्कुल शेयर कीजिए, क्योंकि आपके काफ़ी ऐसे दोस्त होंगे जो ये फीचर को सीखना चाहते होंगे, तो उनको भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। और इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स कवर करते रहते हैं और आगे चल के हम इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स को भी कवर करने वाले हैं। और इससे पहले कि ये वीडियो स्टार्ट हो, मैं आप सबके साथ एक इस चैनल को लेके अपडेट शेयर करना चाहता हूँ। अपडेट जो है वो कुछ इस तरह से है। एक्चुअली मैं नोटिस कर रहा था कि जैसे ही मैं कुछ वीडियो अपलोड करता हूँ, शायद वो कुछ प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग रिव्यू हो या फिर कोई एक फुल डीजे सेटअप कनेक्शन हो, कुछ लाइव साउंड का कनेक्शन हो, तो उस टाइम में क्या होता है कुछ छोटे टॉपिक्स जो है वो छूट जाते हैं। सपोज़ मैं एक लाइव साउंड मिक्सर का वीडियो बना रहा हूँ, तो उस टाइम में जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो स्टार्टिंग से ये रहता है कि ये माइक इनपुट है, ये लाइन इनपुट है और ये स्टीरियो इनपुट है, इस तरह से हम वीडियो को क्रिएट करते हैं। तो उस दौरान जो हमारी थॉट रहती है, क्योंकि आप में से ऐसे काफ़ी लोग हैं, मतलब 80% लोग हैं जो इन सब चीज़ों के बारे में यूज्ड टू हैं, उनको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम, या फिर आप डायरेक्टली माइक इनपुट करके दिखाएं या फिर लाइन इनपुट करके दिखाएं, इस तरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन 20% ऐसे लोग हैं जो लोग बिल्कुल नए स्टार्टर हैं, उनको इसके बारे में आइडिया नहीं है। हो सकता है वो जानते हैं माइक इनपुट क्या होता है, लाइन इनपुट अभी क्या है, उसको लेके उनके अंदर भी कन्फ्यूज़न है। अभी स्टीरियो में कैसे लाइन इनपुट करें, RCA अगर दिया हुआ है, TS दिया हुआ है, तो दोनों को अलग अलग कैसे यूज़ करें, तो ये सब चीज़ें उनके मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। और अगर हम कोई भी एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं, लाइक फुल DJ सेटअप कनेक्शन हमने किया, जो इस फील्ड पे एक साल दो साल से काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा इजी रहता है। सोचिए प्लेयर से लेके हमने एम्पलीफायर स्पीकर्स तक कनेक्शन किया, वो ऑलरेडी वो चीज़ जानते हैं, लेकिन कहीं पे भी अगर उनको कन्फ्यूज़न था तो उस वीडियो में जो भी हम शेयर करते हैं उससे उनका जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाती है। लेकिन जो नए स्टार्टर हैं उनके साथ प्रॉब्लम ये होता है, उनके सर के ऊपर से ये सब चीज़ें चली जाती है, क्योंकि एक साथ
चार पांच एम्पलीफायर, क्रॉसओवर, मिक्सर, ये वो, मतलब उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होना स्टार्ट होती है। तो उस टाइम में वो मतलब छोटी छोटी जो पॉइंट्स होते हैं, कैसे हम लैपटॉप से कंट्रोलर को जोड़ें, कैसे मतलब छोटे पार्ट्स उनको चाहिए, उनको हर वो चीज़ें छोटे छोटे पार्ट्स में अगर मिले तो वो उनको सीखने में भी ईजी हो। क्योंकि जब हम एक फुल सेटअप का कनेक्शन करते हैं तो उस टाइम में क्या होता है, सब चीज़ों को हम कनेक्शन करते जाते हैं, आपको बताते जाते हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ कि मैं दो चार एम्पलीफायर है उसको मैं डेजी चेन कर रहा हूँ, उनका कन्फ्यूजन फुल सेटअप में नहीं है, उनका कन्फ्यूजन डेजी चेन में है। डेजी चेन क्या हो, अभी हालांकि मैंने उन सब चीज़ों का वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है दो तीन साल पहले से, लेकिन पुराने वीडियो जो है वो ज़्यादा यूट्यूब में सजेस्टेड में नहीं आते, और जो नए ऑडियंस है वो पुराने दो तीन साल पुराने वीडियो को जाके चेक नहीं करते, तो उनके साथ कन्फ्यूज़न यही चलता है। और बाकी मैं भी नोटिस कर रहा हूँ हमारे इस चैनल पे जो हम टेक्निकल टॉपिक्स कवर करते हैं, सोचिए आपका कुछ भी टॉपिक है, मैं उसको आके आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये चीज़ें होती क्या है ये वो। तो मैं सोच रहा था अगर हम इसको प्रैक्टिकली करें, भले वीडियो 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट इस तरह का भी हो, छोटा वीडियो हो तो भी चलेगा। सोचिए आपको लाइव साउंड मिक्सर को लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना है रिकॉर्डिंग के लिए, वो कैसे करेंगे आप, ऑक्सिलरी से कैसे मिक्सर से मॉनिटर के लिए आउटपुट ले, प्री फेड ऑक्सिलरी, पोस्ट ऑक्सिलरी वो कैसे यूज़ करते हैं, उसको कैसे सेंड किया जाता है, एडोन्स जो इफेक्ट प्रोसेसर है, इक्विलाइजर है, कंप्रेशन लिमिटर गेट है, उनको कैसे सेंड करें, फिर रिटर्न कैसे लाएं, ये जो छोटी छोटी टॉपिक्स है इसको हम मिस कर रहे हैं। छोटा टॉपिक हो लेकिन उसका अगर सेपरेट टॉपिक रहेगा आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स ही हमें एक क्लैरिटी दे सकती है, इनडेप्थ एक मजबूत पकड़ बना सकती है कि हम वो सारे चीज़ों को सीखने के साथ साथ प्रैक्टिकली उस चीज़ को देख भी रहे हैं और उस वीडियो को भी फॉलो करते हुए हम आगे अपना भी कनेक्शंस कर सकते हैं। मैंने काफ़ी मतलब अच्छे से नोटिस किया, जैसे मैंने DVX ड्राइवर 260 का वीडियो बनाया था तो पूरे डेमोन्स्ट्रेशन उसमें शामिल था, भले वीडियो बहुत लंबा चला गया लेकिन काफ़ी लोगों को इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, क्योंकि वो भी अगर सोचिए अगर 50% भी उनको नॉलेज मिला देन उस चीज़ को वो अप्लाई किए, अभी उसके बाद अगर कहीं पे भी अटके तो सिंपली मैंने जो भी किया था उन्होंने वही सब सेटिंग किया और एंड में उनको रिजल्ट भी अच्छा मिला। अभी उनका नॉलेज जब डेवलप करेगा वो उस चीज़ को थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे कि मुझे चेंज करके थोड़ा सा देखना चाहिए वगैरह वगैरह, और आपका जो सिस्टम है उसका, आप जो इन्वायरमेंट में उसको प्ले कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी वो चीज़ होता है। ऐसा भी है एक इंडोर का ऑडियो एक आउटडोर का ऑडियो उनमें फ़र्क होता है। सोचिए मैं एक एनवायरनमेंट में काम कर रहा हूँ जहाँ पे मेरे पास 300 ऑडियंस है, अभी वो लोकेशन जो है वो छोटे जगह पे है, तो मेरा जो सेटिंग रहेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, जहाँ पे एक 5000 ऑडियंस है उन वहाँ पे और भी बड़ा सेटअप लगा हुआ है तो उस केस में। सो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, ये सारे जो टॉपिक है हम आगे चल के कवर करने वाले, बहुत ही छोटा टॉपिक, मतलब इस टॉपिक को आप नाम दे सकते हैं छोटे छोटे टिप्स। अगर आपका कोई भी, ये मेरे ऊपर नहीं है, जो मेरे नज़र में आएगा कि मुझे इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए वो तो मैं बनाऊंगा, लेकिन आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, आप बिल्कुल कमेंट करें आपका कौन सा टॉपिक है, हैशटैग छोटे छोटे टिप्स, उसके बाद अपना टॉपिक लिखें, छोटा सा टॉपिक होना चाहिए क्योंकि अगर बड़े टॉपिक्स होते हैं तो मुझे थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा उसको प्रिपेयर करने के लिए। सो बिल्कुल मैं इसको आगे वीडियो इस तरह के लाने वाला हूँ काफ़ी सारे, तो होपफुली वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी रहेगा तो और भी इजी होगी, क्योंकि अगर प्रोडक्ट सामने है मैं कनेक्शन करके दिखा रहा हूँ और प्रीसेट्स वगैरह, तो एक्चुअली मुझे भी जब भी कुछ चीज़ों के बारे में कन्फ्यूजन होती है तो मैं प्रेफर करता हूँ वीडियो में अगर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हो तो मुझे ज़्यादा डेप्थ मिलेगी। सो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लाइव साउंड की ऑडियो को अपने लैपटॉप में किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे और फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसको यूज़ भी कर सकते हैं। हालांकि ये जो लाइव मिक्सर है अभी ये केकवर्क सोनली सॉफ्टवेयर के साथ अगर आप इसको चलाते हैं देन आप मल्टी ट्रैक रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम अलग DAW सॉफ्टवेयर में इसको यूज़ करने वाले हैं, तो हो सकता है इसमें मल्टी ट्रैक का ऑप्शन ना मिले, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं एलन एंड हीट के बारे में ही बता रहा हूँ, आप कोई भी लाइव साउंड मिक्सर हो उसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं।
हम हर वो कंडीशन के बारे में इसमें थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो आगे चल के अगर आपका कुछ भी कन्फ्यूजन रहता है, कोई भी लाइव साउंड मिक्सर हो सकता है मेरे पास अवेलेबल ना हो सकता है हमारे सेल्स टीम के पास भी ना हो, लेकिन हम कहीं ना कहीं से उसको अरेंज करके उसका टॉपिक भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, हमने यहाँ पे रखा हुआ है एलनन हीट Z16FX लाइव साउंड मिक्सर और यहाँ पे लैपटॉप है। सो इन दोनों को हम कनेक्ट करने वाले हैं। सोचिए आप एक लाइव साउंड के शो में हैं और आपको इसकी जो ऑडियो है इसको रिकॉर्ड करना है अपने लैपटॉप में, तो USB के थ्रू आप कैसे इसको रिकॉर्ड करेंगे। सो थोड़ा सा पहले हम एलनन हीट Z16FX के बारे में जान लेते हैं। सो ये जो लाइव साउंड मिक्सर है इसमें आपको 10 चैनल मोनो इनपुट और 3 चैनल आपको स्टीरियो इनपुट देखने को मिल जाएगी, और इसमें आपको स्टीरियो रिटर्न्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। स्टीरियो रिटर्न का एक्चुअली काम क्या होता है, ये जो स्टीरियो चैनल है इसमें आप एक DJ कंट्रोलर ऐड करना चाहते हैं, इसको आप चाहें तो आगे ऐड कर सकते हैं। सोचिए वहाँ पे अगर आपका RCA इनपुट हो तो RCA इनपुट आप वहाँ पे कर सकते हैं। स्टीरियो रिटर्न और यहाँ पे एक ST1 ST2 इस तरह से दिया हुआ है। ST1 ST2 एक्चुअली क्या है, यहाँ पे ST1 ST2 का गेन नॉप है। तो जैसे ही आप ST1 या फिर ST2 में कुछ इंसर्ट करेंगे तो इस नॉप में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टीरियो रिटर्न 1-2 में यहाँ पे इनपुट करते हैं देन आप यहाँ से इसको गेन कम ज़्यादा कर सकते हैं, और यहाँ पे उसका ऑन ऑफ का स्विच भी होता है। स्टीरियो रिटर्न अगर आप यहाँ पे आप देख सकते हैं 2LR 2 चैनल, 2LR मतलब आप डायरेक्टली अगर इसमें कुछ इनपुट करते हैं, अगर आपने LR में रखा है इस गेन नॉब के थ्रू आप यूज़ करेंगे, ये आपके चैनल में नहीं आएगा, वो डायरेक्टली आपके मास्टर में आ जाएगा। दोनों चैनल के लिए सेम कैसे, अभी अगर आप इसको चैनल में करते हैं देन ये जो सिग्नल है जो इनपुट हो रहा है वो आपके इस चैनल में आएगी, उसके बाद इस फेडर में जाएगी, फेडर के बाद वो मास्टर में जाएगी। तो इसका यूज़ सोचिए आपने एक वोकल प्रोसेसर को कुछ चैनल्स आपने पास किया है, वहाँ से जो रिटर्न आ रहा है, सोचिए आपने स्टीरियो में लिया, जैसे वोकल प्रोसेसर में होता है एक इनपुट डालते हैं और स्टीरियो रिटर्न भी ले सकते हैं, उस केस में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपने इफ़ेक्ट को एंट्री करवाया। अभी अगर आप इसको चैनल में लेना चाहते हैं, जैसे इफ़ेक्ट को आप चाहें तो कम ज़्यादा करना चाहते हैं देन आप चैनल में एंट्री करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको डायरेक्टली मास्टर में भेजना चाहते हैं तो आपको इसको LR में रखना पड़ेगा। LR में रखने से आप डायरेक्टली इसको मास्टर में भेज सकते हैं। ये एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है जो हमने Z24 का वीडियो किया था उसमें आप लोगों में से किसी ने हमें ये पूछा था, एक्चुअली RCA में जो स्टीरियो चैनल का रिटर्न है वो एक्चुअली क्या होता है। सो मैं सोचता हूँ ये आपके लिए एक क्लियर आइडिया रह सकता है, अगर आप इस मिक्सर को यूज़ कर रहे हैं तो क्या क्या कंडीशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देन अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो USB है इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। USB में ये जो चैनल है आपका 16-17 जहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ से आप अगर चाहें तो इनपुट करके भी इस चैनल को यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपने इस USB में कुछ अपने USB ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है आपके लैपटॉप से कोई भी ऑडियो प्ले हो रही है, तो जब तक आप इसको ऑन नहीं करेंगे और इसका गेन को खोलेंगे नहीं तब तक वो एंट्री नहीं कर पाएगा। अभी यहाँ पे भी आपको LR और चैनल है, तो USB का जो एंट्री है आप अगर चाहें तो डायरेक्ट मास्टर में भेज सकते हैं या तो आप इसी चैनल में भी इसको ले सकते हैं। अभी USB का जो सेंड है इस मिक्सर से, यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे LR प्री मतलब ऑल ओवर जो भी आपका मास्टर है उसको सेंड करना चाहते हैं, या तो आप ऑक्सिलरी 1-2 को सेंड करना चाहते हैं, या तो आप ऑक्सिलरी और FX को सेंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं या तो सारे को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक एक करके जैसे मास्टर हो गया, ऑक्सिलरी हो गया, सारे कुछ ऐड होके भी आप भेज सकते हैं। देन अभी हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको एक इस तरह का केबल चाहिए, ये USB AB केबल है, ये आपका मिक्सर के साइड में है तो आपको इसको मिक्सर के साइड में लगा लेना है। नेक्स्ट जो दूसरा वाला साइड है इसको आपको लैपटॉप में लगा लेना है। तो ये ऑलरेडी इसमें आप देख सकते हैं
एक यूएसबी ड्राइव शो करेगा। जैसे कि ये एलएनएन हिट Z16FX या Z सीरीज जो है, आपको उसके लिए कोई भी ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। अपने लैपटॉप में आप चाहें तो PC या तो मैक में डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद इसका जो इंटरनल ड्राइव है वो इसके साथ डिटेक्ट कर लेगा और आपको यहाँ पे शो करेगा कि ये सक्सेसफुली ऐड हो गया है। ZI सीरीज जो है उसके लिए अलग से ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है। और अगर आप दूसरा कोई भी मिक्सर यूज़ कर रहे हैं तो गूगल में एक बार चेक कर लीजिए उसका ड्राइवर, अगर इस टाइप का हुआ तो आप डायरेक्टली ऐसे ही कनेक्ट कर सकते हैं। अगर वो ड्राइवर मांगता है तो ड्राइवर कैसे इंस्टॉल किया जाता है कोई भी मिक्सर में, वो आगे चल के हम अलग अलग मिक्सर का जब इस तरह से कनेक्शन करेंगे तो उस वीडियो में हम जानने वाले हैं। नेक्स्ट आपको इसका स्विच को ऑन कर लेना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही हम यहाँ पे चलते हैं ऑडियो कार्ड में, तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट डिवाइस है वो ये इंटरनल लैपटॉप का जो स्पीकर है वो है, और ये है USB ऑडियो कोड सी। तो ये है हमारा एलएनएन हिट। अभी उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इनपुट डिवाइस में भी हमने इसको यहाँ पे रखना है। अभी हमें अगर इसको टेस्ट करना है तो हम इसको कैसे टेस्ट करें, तो उसके लिए हम एक माइक्रोफोन यूज़ कर लेते हैं। सो हमने यहाँ पे एक माइक्रोफोन ऐड कर लिया है, चेक 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 चेक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप अगर चाहें तो इसको मैनेज भी कर सकते हैं, चेंजेस भी कर सकते हैं, डिवाइस प्रॉपर्टी। अभी आप अगर यहाँ पे चाहें तो इसका गेन को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, इनपुट गेन। अभी मैं फ़िलहाल इसको 93 में रहने देता हूँ। अभी नेक्स्ट सोचिए, आपको अभी ये कनेक्ट हो चुका है तो ऑडियो बिल्कुल इसमें से आ रही है। आप जो भी DAW सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये Audacity को ही हम ले लेते हैं क्योंकि ये बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल ये आप इसमें से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो रिकॉर्डिंग है, अभी हमें यहाँ पे एक माइक्रोफोन का साइन दिख रहा है, इसमें हम जाके इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। अभी ये जो ऑडियो अभी आ रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो इस माइक्रोफोन से ही आ रहा है। इससे पहले अगर आप कॉन्फ़िगर, एक्चुअली ये मेरा हो चुका है, तो अगर आप बिल्कुल नए हैं तो यहाँ पे एडिट में जाएंगे तो प्रेफरेंसेस आपको दिखेगा, वहाँ पे जाएंगे। रिकॉर्डिंग है वो इस मिक्सर से जाएगी, अगर हम यहाँ पे भी कुछ प्ले करते हैं तो ये डायरेक्टली उसी मिक्सर में प्ले होगी। तो इसका एक सैंपल टेस्ट भी हम कर लेते हैं और एक टेस्ट भी हम आपको कर लेते हैं। इसको हम अभी के लिए